हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको प्रमोटेड, पास और फेल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इनका क्या मीनिंग है। देखिए, जो बच्चे नॉर्मली थर्ड क्लास के होते हैं, फोर्थ क्लास के होते हैं, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, सब क्लास के बारे में आप ध्यान सुनिए। जो बच्चे सिक्स क्लास के हैं, जो बच्चे सेवन क्लास के हैं, तो इनमें जो है अगर ये अच्छे नंबर भी लाते हैं ना, तो जब इनका ऑनलाइन रिजल्ट चेक किया जाता है तो इसमें प्रमोटेड ही लिखा होता है। तो ये मत सोचेगा कि ये जो बच्चे हैं, अगर प्रमोटेड लिखा आ गया तो इसका मतलब ये है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेस मिलके पास हुए हैं, ठीक है, ये इनके लिए रूल हो गया। अब जो बच्चे पांचवी क्लास के हैं, जो बच्चे आठवीं क्लास के हैं, जो बच्चे नाइन्थ क्लास के हैं, जो बच्चे इलेवंथ क्लास के, तो इसमें अगर प्रमोटेड लिखा आ रहा तो इसका मतलब ये है कि उन बच्चों को डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेस मिली है, तब जाके वो पास हुए। अगर पास वर्ड लिखा है तो मतलब उसे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिली, वो अपने आप पास हुआ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये नाइन्थ क्लास है, यहाँ लिखा हुआ पास, और यहाँ पर ऊपर आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रमोटेड, ठीक है ना, ये इलेवंथ क्लास है। तो प्रमोटेड मतलब उसे ग्रेस मिली हुई है, और पास मतलब वो पूरे हर सब्जेक्ट में अपने आप पास हुए, उसे किसी प्रकार की कोई ग्रेस नहीं मिली। अब यहाँ पर जो बच्चा है, इसको कंपार्टमेंट दी गई है मैथ्स और साइंस में, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा अगर किसी बच्चे को कंपार्टमेंट मिली होगी, ठीक है, अगर किसी बच्चे को कंपार्टमेंट मिली होगी तो ऐसा लिखा आएगा। अगर वो, मैं नहीं चाहता क्योंकि बच्चा फेल हो जाए, अगर वो फेल हो जाता तो इस तरीके से ये फेल वर्ड लिखा हुआ आएगा, और ये बहुत दुख की बात होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा पास हो जाएगा तो उसके आगे पास लिखा आएगा। ये मत सोचना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह लिखा होगा, ये नहीं लिखा आएगा। ये आपकी जब मार्कशीट आएगी, उसके बाद जब स्कूल में सबमिट होगी, तो टीचर्स अपने आप उस मार्कशीट पर लिख देंगे कि पूरे सेक्शन में या पूरे स्कूल में किस लेवल पर वो फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, फिर उसके बेस पर उसे एनुअल डे फंक्शन में प्राइजेस मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। तो ये मैंने सबसे बड़ा डाउट दूर कर दिया है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत करें, आगे पढ़े और आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साइड डियर स्टूडेंट्स।